friends, in this video we are going to discuss about the cause of magnetism. जब किसी conductor के cross potential difference apply करते हैं आप तो वहाँ पर flow होता है electric current और electric current flow होने के साथ साथ उसके surrounding में magnetic field भी generate होता है. तो what is the cause of magnetic field? वहाँ पर magnetic field कैसे आ गया? मैग्नेटाइज हो गया वो कंडक्टर आपका, तो उसके पीछे कौन से पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो मैग्नेटाइज हो जाता है, इन बेसिक्स थिंग्स को आज हम लोग इस वीडियो में समझने जा रहे हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जब किसी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है और इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द इन कंडक्टर और मेटल्स. ठीक है, तो सेम पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी मेटल के मैग्नेटाइज होने के लिए. कोई मेटल कंडक्टर अगर मैग्नेटाइज हो रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की ही. ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वो एक डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ मोशन करते हैं, ये इनका एक लीनियर मोशन होता है. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के एक और मोशन के बारे में आज आपको पढ़ना है और वो है रोटेशनल मोशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लीनियर मोशन के साथ साथ अपने एक्सिस पे रोटेशनल मोशन भी करते हैं, जैसे हमारा अर्थ है जो कि सन के राउंड रिवॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी हो रहा है. बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे ही रोटेशनल मोशन अपने एक्सिस पे करते रहते हैं. ठीक है, तो अगर मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है. कैसे जरा देख लेते हैं. देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया, अब इलेक्ट्रॉन के मोशन रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो चलो एक बार क्लॉकवाइज ले लेंगे एक बार एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन वो करते रहते हैं. ठीक है, जैसे रैंडम मोशन करते हैं, जिस समय इस पे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो मोशन जो होता है वो रैंडम होता है, साथ ही साथ वो रोटेशनल मोशन भी अपने एक्सिस पे करते रहते हैं. और अगर हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये रोटेट हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसके एंड्स पे डायपोल का फॉर्मेशन होता है, एंड्स पे डायपोल का फॉर्मेशन होगा. और आप देखिए अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनका मोशन हो रहा है तो एक एंड इसका नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा एंड हो गया साउथ पोल, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेट के तरीके बिहेव करता है. ठीक है, ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑन इट्स एक्सिस. ठीक, तो अभी देखा आपने एक इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इसका एक एंड हो गया नॉर्थ पोल, एक एंड हो गया साउथ पोल और एक मैग्नेट के तरीके से ये बिहेव कर रहा है. ठीक, तो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है क्या वो सभी इसी डायरेक्शन में मोशन रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे? ये तो जरूरी नहीं है. तो चलिए और इलेक्ट्रॉन लेते हैं. अब दूसरे इलेक्ट्रॉन का जो मोशन करा दिया वो क्लॉकवाइज करा दिया. ठीक है, चलो ये क्लॉकवाइज मोशन में डायरेक्शन कर रहे हैं तो होगा क्या कि यहां पर जो इनकी पोल्स हैं, जो डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है वो इंटरचेंज हो जाएंगे. अगर एंटी क्लॉकवाइज में आपने नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ पोल यहाँ डिफाइन किया है तो वहीं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन अगर होता है तो इसके पोल्स कुछ इस तरीके से इंटरचेंज हो जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे. जैसे आपको ये पता है किसी कंडक्टर में जब तक आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते हो तब तक वहां करंट का फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रॉन फूटते हैं ना, बट उनका जो रैंडम मोशन होता है उनके रैंडम मोशन का जो की जो वेलोसिटीज का एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो हो जाता है. मतलब वो एक कंडक्टर में अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो पाता है. वैसे ही किसी मेटल में इस तरीके के जो डायपोल्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते रहते हैं जिससे कि इनका जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो उस समय उसमें अपीयर नहीं होती है. ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको हम लोग
क्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग अप्लाई करते हैं कंडक्टर्स मेटल्स में, तो इनके मोशन के साथ साथ ये जो इनके डाइपोल्स होते हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर सारे मेटल्स या सारे ऐसे सब्सटेंस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है सभी तो मैग्नेटाइज नहीं हो पाते हैं, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है कि वही सब्सटेंस आपके हाईली मैग्नेटाइज होंगे जिसमें वन डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं कि उसमें आपने करंट का फ्लो कराया, सेम अमाउंट में करंट का फ्लो कराया दो अलग अलग सब्सटेंस में। कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही लीस्ट मैग्नेटाइज होते हैं, उनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ही वीक होता है। इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका रोटेशनल मोशन हो रहा है कंडक्टर में, वो अलग अलग डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे मेटल्स, ऐसे कंडक्टर जिसमें वन डायरेक्शन में स्पिन होने वाले, वन डायरेक्शन में सपोज करो ये डायरेक्शन ले लिया, तो इस डायरेक्शन में स्पिन होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे, वन डायरेक्शनल रोटेशनल मोशन करने वाले जो कि एक ही डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में ज्यादा होंगे वो हाईली मैग्नेटाइज होगा, और ऐसे सब्सटेंस जिसमें कम होंगे वो लीस्ट मैग्नेटाइज होगा, और ऐसे भी सब्सटेंसेस होंगे जिसमें पूरी तरीके से इनका जो डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा तो वो मैग्नेटाइज भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज आपने ये समझा कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराने से कहां से मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है, तो आपको ये पता चल गया कि कंडक्टर्स मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैग्नेटिज्म के लिए, और ड्यू टू दिस रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन होता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल का फॉर्मेशन होता है, और ये एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर पाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर में कहां से आ जाती है। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे अब इस बात को कि जो करंट का फ्लो होता है उसके लिए भी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और मेटल्स में कंडक्टर्स में जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, जब उसमें करंट का फ्लो कराते हैं वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके पीछे भी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स, और इस समय जो उनका रोटेशनल मोशन है वो इफेक्टिव होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने बेसिक चीजें समझ ली कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसे किसी सब्सटेंस के अंदर आ जाती है।